एक सब्सक्राइबर है, उनका काफ़ी टाइम से एक रिक्वेस्ट थी कि उनके इको स्पोर्ट पेट्रोल में तीन प्रॉब्लम उनको फेस करने को मिल रहा है, और काफ़ी वीडियो में उन्होंने कमेंट भी करा है। और मैं काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन किसी कारण से नहीं बना पा रहा था। तो आज आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और वो सर को जो प्रॉब्लम हो रही है उनका मैं आपको, जैसा कि ये पढ़ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम इनको फेस करने को मिल रही है। तो इनका जैसा कि दो तीन क्वेश्चन है जो कि मैं आंसर करना चाहूँगा, जितना मेरे को आइडिया हो रहा है जो इनको प्रॉब्लम हो सकता है मेरे हिसाब से। फर्स्ट फॉग वाली बात, इससे कुछ टाइम पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें इंजन गार्ड के बारे में बताया था, पेट्रोल वेरिएंट में वो देखने को नहीं मिलता है। अब हल्की बारिश में होती ये है जैसे कि जो इंजन में अगर थोड़ा भी पानी या फिर पानी का बूंद जाता है तो वो क्या भाप बन के ऊपर उड़ता है, और वो हो ये रहा है मेरे को जहाँ तक लगता है आपके गाड़ी में। जैसे कि ये फोटो दिखा रहा हूँ, ये सामने हुड सामने बोनट के पास रहता है, जिससे बोनट बंद करने के बाद ये जो रबड़ दिख रहा है ये पूरा दब जाता है, जिससे अगर इंजन का हीट रहेगा और जो मान लेते हैं नीचे से कीचड़ वगैरह पानी वगैरह छिटकने के बाद जो इंजन से भाप निकल रहा है वो आपके विंडशील्ड में ना जाए। ये है अगर इस जगह में आपका चूहा वगैरह अगर हो सकता है इसको काट दिया होगा, ये वाला रबड़ को आप देख सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो प्रॉपर बैठ नहीं रहा होगा, जिससे हल्की बारिश में ऊपर से भी पानी इंजन में जाता है कहीं ना कहीं से, और वो फिर भाप बन के निकलने लगता है। आप देखिए टेम्परेचर के चेंजेस होता है तो वहाँ पर भाप हो गई। आप अगर मेरी बात आप और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो हल्का गाड़ी ड्राइव करके आइएगा, और एक बूंद पानी आप इंजन में डालिएगा और बोहूट को खोल दीजिएगा, पूरा जो उसका भाप निकलेगा वो पूरा विंडशील्ड में जाके लगते जाता है। तो होता ये है जैसे विंडशील्ड में वो लगते जा रहा है, और वाइपर भी उससे होता है कि गर्म हो जाता है। अब वाइपर हो सकता है आपका वाइपर ब्लेड जो रबड़ रहती है वाइपर की वो भी ख़राब हो गई होगी, बाकी नई गाड़ी है जहाँ तक मेरे को पता है तो वो ख़राब नहीं होना चाहिए। लेकिन होता है कई बार अपन जितना बारिश नहीं हो रही उतना उससे ज़्यादा अपन यूज़ कर देते हैं, ऑन करके छोड़ ही देते हैं, जिसमें अगर पानी बंद भी हो गई है बारिश तो भी अपना वाइपर चलते रहता है, तो उसमें भी जल्दी डैमेज हो जाता है, और फिर धूप में अपनी गाड़ी खड़ी है तो उसमें भी जल्दी ख़राब होने का चांस रहता है। तो मेरे को फर्स्ट में लग रहा है कि आप अपने गाड़ी का जो फ़ोटो वगैरह आपको देखने को मिल रहा है उसको चेक करिए, आपका रबड़ जो रहता है बूट के पास वो रबड़ को चेक करिए कि सर्कुलेशन मोड ऑफ है या ऑन है, उसको देख लीजिए, क्योंकि कई बार होता ये है आपके गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। कई बार जैसे अपन टेम्परेचर ज़्यादा रखे हैं तो और गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर कम हो गया है तो वो बाहर का गर्म हवा को अंदर लेने के लिए रिसर्कुलेट ऑन ऑफ ऑटोमेटिक करते रहता है। अगर वो आपका समझ लीजिए ये वाला जो सिंबल है ये नहीं है आपके गाड़ी में, मतलब आपके गाड़ी में बाहर से हवा अंदर आ रही है, गर्म हवा अंदर ले रही है, तो उसमें भी कई बार ऐसा फॉग जमने का शिकायत हो जाता है। और इसी से रिलेटेड एक बात और मैं बताना चाहूँगा, बहुत मेरे मित्र लोगों का कमेंट भी आता है कि मेरे गाड़ी के हेडलाइट में फॉग जम रहा है, मॉइस्चर बन रहा है, तो उसका भी मैं बताना चाहूँगा सेम रीज़न है। जैसे गाड़ी आपकी हेडलाइट ऑन होती है तो जो हेडलाइट के अंदर का टेम्परेचर वो कुछ और होता है, बाहर का टेम्परेचर कुछ और होता है। जैसे ही आप पानी डालेंगे या फिर ठंडी का टाइम रहता है तो उसमें जनरली क्या होता है, अंदर बाहर का टेम्परेचर कुछ और है, अंदर का टेम्परेचर कुछ और है। हेडलाइट का अंदर का जो यूनिट है बाहर के टेम्परेचर के ऑलमोस्ट नज़दीक नहीं आ जाता तब तक वो फॉग हटेगा नहीं। चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे गाड़ी में भी ये जमता है, लेकिन ऑटोमेटिक जैसे ही हेडलाइट नॉर्मल वेदर के टेम्परेचर में आ जाता है वो ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। सेकंड था कि इनका गाड़ी का इंजन ऑन करने से या ऑफ करने से जो आवाज़ आती है, तो मैं बताना चाहूँगा, देखिए आपकी गाड़ी में कीलेस एंट्री है, जब भी आप डोर ओपन करेंगे आपको एक सूं का आवाज़ जैसे कि सर बता रहे हैं वो आपको सुनने को मिलेगा। वो रहता क्या चीज़ का आवाज़ है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपके गाड़ी में जो पेट्रोल टैंक रहता है वो बैक सीट के जस्ट नीचे में रहता है, समझ लीजिए पीछे में रहता है बैक साइड में, और आपके गाड़ी का इंजन कहाँ है, फ्रंट है सामने साइड में। अब वहाँ से पेट्रोल को इंजन तक पहुँचाने के लिए जो सेकंड लगता है, टाइम तो लगेगा एकदम रॉकेट टाइप का, तुरंत तो इंजन तक पहुँच नहीं सकता। अब आप गाड़ी खोलेंगे बैठेंगे, अगर आप पहले इग्निशन ऑन किए फिर गाड़ी स्टार्ट किए तब तो सही प्रोसेस से आप ऑन किया, आप गाड़ी में बैठे सीधा क्लच दबाए और एक बार अगर उसको प्रेस करेंगे तो एक बार में ही आपकी गाड़ी ऑन हो जाती है।
अब होना क्या है, अगर पेट्रोल वहाँ से पहुँचने में टाइम लग गया, आप पहले ही उसका इग्निशन ऑन नहीं किए और सीधा सेल्फ मार दिए, तो जो गैप हो जाएगा उसमें क्या होगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, लंबा सेल्फ हो जाएगा। तो उसमें क्या है, आपकी गाड़ी, आप जब भी गाड़ी में बैठे आपकी गाड़ी एकदम रेडी रहे भाग, इसलिए ये रहता है कि जैसे ही आप डोर ओपन करेंगे पेट्रोल सीधा आपके इंजेक्टर तक पहुंच जाता है। उसमें ये होता है कि जब भी आप स्टार्ट करें गाड़ी एकदम स्टार्टिंग में प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो सके, और स्टार्टिंग में क्या है थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल दे दिया जाता है जिससे एक बार में ही गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए रहता है ये चिंता कि कोई भी बात नहीं है, मेरे गाड़ी में भी ये साउंड सुनने को मिलता है। जैसा कि मैं कोशिश तो किया था कि रिकॉर्ड कर पाऊँ लेकिन माइक में उतना कैच नहीं कर पाया, फिर भी आप सुन लीजिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, कौन सा साउंड का बात कर रहे हैं। देखिए मेरी गाड़ी के साउंड, जैसा कि ये साउंड आपको सुनने को मिल गया होगा। अब थर्ड जो एक सर का डाउट था वो क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए मेरी गाड़ी अभी अभी 20,000 चल चुकी है, 20-22 हज़ार चल चुकी है, पेट्रोल है मेरी भी। और उसमें देखिए स्टार्टिंग में तो मेरे को 9-10 से ज़्यादा का माइलेज मिलता ही नहीं था, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ को। लेकिन आज के डेट में मेरे गाड़ी का मैं आप लोगों को रिसेंट का दिखाना चाहूँगा, देखिए माइलेज कितना दे रही है। तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ, धीरे धीरे माइलेज इंक्रीज़ होता है, इसमें 5,000 में भी बढ़ जाएगा, 10,000 में। ये गाड़ी का क्या है, एकदम 20-25 हज़ार चलने के बाद भी सही तरीके से पूरा इंजन फ्री होता है, समझ लीजिए अभी सही मायने में तो मेरी गाड़ी की इंजन फ्री हुई है। तो देखिए चिंता की कोई बात नहीं है, एक दो पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ना ही आप जैसे बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी का जैसे पावर आपको पिकअप कम लग रहा है, तो उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा, हो सकता है उसकी वजह से भी माइलेज ड्रॉप हो गया होगा। आपकी गाड़ी बाहर में खड़े रहती है या फिर पानी वगैरह में भींगी ज़्यादा है और आप हैंड ब्रेक लगा के हमेशा खड़े करते हैं, तो जो रियर साइड में ड्रम ब्रेक रहता है वो उसका जो ब्रेक शू रहता है वो क्या होता है, कई बार मेरे पास एक सेंट्रो थी उसमें ये प्रॉब्लम हुआ था, ब्रेक शू ऐसा टाइप का उसमें लगे रहता है और जब भी आप ब्रेक अप्लाई करेंगे वो ड्रम में ऐसे जाके वो सड़ जाता है। तो होता ये है ब्रेक शू कई बार उखड़ जाता है, वहाँ जिसमें लगे रहता है वहाँ से उखड़ के वो आगे चला जाता है, और वो आगे जाने के बाद क्या करता है कि ड्रम को लॉक कर देता है, मतलब ब्रेक अप्लाई हो जाता है। आप ब्रेक नहीं भी लगाए हैं तो भी गाड़ी में ब्रेक लग रहा है समझ लीजिए, उसमें क्या होता है गाड़ी फ्री नहीं चलती, इसलिए हो सकता है कि आपको गाड़ी दबी दबी चल रही है ऐसा लग रहा होगा। मेरे को जहाँ तक लग रहा है यही प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि अभी आपकी गाड़ी में एकदम से इंजन में कोई प्रॉब्लम ऐसे आ ही नहीं सकता इतना जल्दी। तो आप सिंपली क्या करिए, आप अगर बनता है तो एक बार जैक लगा के टायर को उठा के आप रोटेट करके देखिए कि चारों टायर में फ्री चल रही है कि नहीं, और नहीं हो पा रहा है तो सिंपली क्या करिए कि आप कोई भी गियर में लगा के गाड़ी को आगे पीछे करने की कोशिश करिए और देखिए कि आपसे आगे पीछे हो पा रहा है कि एकदम टाइट जाम जाम लग रहा है, आपको फ्री नहीं लग रही है गाड़ी। जैसे कि हल्का फुल्का मूवमेंट तो खैर कर ही सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाया वीडियो में दिखा भी रहा हूँ कि ऐसे आप हल्का आगे पीछे करके देखिए, हो सकता है कि आपको उसमें ही समझ आ जाए कि मेरी गाड़ी फ्री नहीं लग रही है। तो ये आपके 3 डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। तो वीडियो कहीं भी आपको काम का लगा होगा तो लाइक करने में देर मत करिएगा, साथ में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसी टाइप का कंटेंट आप लोगों को आगे भी इस चैनल में देखने को मिलते रहेगा। और भी आप लोगों का कोई सवाल होगा तो बिल्कुल मेरे को कमेंट करिए कि वीडियो बना के ही आपको उसको क्लियर कर पाऊँ। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।